2016 अधिनियम एक्ट जो दिव्यांग के संरक्षण में बना है वो धरातलीय नहीं, सिर्फ कागजों में सिमटी हुई है, ये निकम्मी सरकार है। खुद समस्या है और समाधान करने खोजने निकले हैं महाराज। समाधान तो पग पग पर है, समाधान तो यहाँ के ना समस्या पग पग पर है, समाधान बोलना है, समाधान तो वो करने निकले हैं। देश के अन्य राज्यों में दिव्यांगों का पेंशन कहीं 2000, कहीं 2500, कहीं 3000, कहीं 3500 है, और हमारे यहाँ कितना है? 400 रुपया। आयोग का गठन बहुत सारा हो गया, महिला आयोग, अति पिछड़ा आयोग, पिछड़ा आयोग, अनुसूचित आयोग, फलना आयोग। आप जितना खर्च समाधान यात्रा में कर रहे हैं वह खर्च अगर दिव्यांगों के शिक्षा पर कर दिए होते तो कितना बढ़िया होता। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आज दिव्यांगों ने प्रदर्शन किया है। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अपनी मांग को लेकर सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो 400 रुपये पेंशन दिया जाता है वो 3000 रुपये पेंशन में बदला जाए, मनरेगा में इन्हें रोजगार दिया जाए, और जो सरकार की जो योजना है उसके तहत दिव्यांगों को उसका अधिकार मिले। ऐसे में आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जो अपने बैनर पोस्टर के जरिए सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं जो दिव्यांग हैं यहाँ पर मौजूद हैं, और देखिए किस तरीके से लिखे हैं, 400 रुपये पेंशन का मजाक उड़ाए, पेंशन 3000 रुपये सम्मानित बनाए। यानी कहीं ना कहीं 3000 रुपये देंगे सरकार के द्वारा अगर दी जाएगी तो उन्हें सम्मान मिलेगा, अगर 400 रुपये मिलेगा तो कहीं ना कहीं दिव्यांगों को मिलेगा। हम के लोग हैं यहाँ पर किन मांगों को लेकर आज प्रदर्शन कर रहे हैं? हम मांग नहीं लेकर के बैठे हुए हैं, ना ऋण मांग रहे हैं, ना भीख मांग रहे हैं। RPWD एक्ट जो है, राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जो सरकार लाई है 2016 में, उसको धरातल पर उतारने की जरूरत है। उदाहरण के तौर पे देश के अन्य राज्यों में दिव्यांगों का पेंशन कहीं 2000, कहीं 2500, कहीं 3000, कहीं 3500 है, और हमारे यहाँ कितना है? 400 रुपया। सबसे ज्यादा शिक्षा दिव्यांगों में है, सबसे ज्यादा नारकीय जिंदगी जीने पर अभिशप्त शब्द है दिव्यांग समाज, क्योंकि सबसे ज्यादा अशिक्षित है। आप टोला सेवा के बहाली करते हैं कि महादलित के बच्चों को चिन्हित करके शिक्षा दो, बताइए ना। आप टोला सेवा करते हैं, बैंक मित्र करते हैं, विकास मित्र करते हैं, दिव्यांग सेवा का बहाली नहीं कर सकते हैं? दिव्यांग के बच्चों को, दिव्यांग बच्चों को आप शिक्षा नहीं दे सकते हैं चिन्हित कर करके? अन्य राज्यों की तरह पेंशन नहीं बढ़ा सकते हैं? सब जगह 2000, 3000, 4000 है, यहाँ 400 रुपया है। आयोग का गठन बहुत सारा हो गया, महिला आयोग, अति पिछड़ा आयोग, पिछड़ा आयोग, अनुसूचित आयोग, फलना आयोग। कब से मांग कर रहे हैं आप? हम लोग जब लगभग 10 साल से पत्र पत्रिकाओं में मुख्यमंत्री तो समाधान यात्रा पर है, समाधान कर रहे हैं। देखिए अब आप पूछ रहे तो बोल रहे हैं, खुद समस्या है और समाधान करने खोजने निकले हैं महाराज। समाधान तो पग पग पर है, समाधान तो यहाँ के ना समस्या पग पग पर है, समाधान बोलना है, समाधान तो वो करने निकले हैं। समस्या पग पग पर है, समस्या आपके नाक के नीचे है, देख रहे हैं धूप में, ठंडी रात में दिव्यांग लोग यहाँ अनशन पर, सत्याग्रह पर बैठने के लिए भी बस है। आप क्या समाधान कीजिएगा? आप तो खुद समस्या है। आप जितना खर्च समाधान यात्रा में कर रहे हैं वह खर्च अगर दिव्यांगों के शिक्षा पर कर दिए होते तो कितना बढ़िया होता, दिव्यांगों का एक पीढ़ी तो कम से कम शिक्षित हो जाता। हम यही कहेंगे कि दिव्यांग आयोग का गठन कीजिए ताकि दिव्यांग अपना मांग को हम लोग का अनशन जारी रहेगा, सरकार को सुनना पड़ेगा। अभी हम लोग 10 सालों से नहीं सुनी सरकार आपकी, नहीं सुनी, लिखते लिखते कागज पत्र में सरकार भी विकलांग हो गई है क्या? सरकार विकलांग नहीं हुई है, अगर विकलांग होती तो विकलांगों की व्यथा को समझती, विकलांगों को दर्द को समझती, विकलांगों की पीड़ा को समझती। सरकार निरंकुश है। तो देखिए सरकार निराकुश है, सीधे तौर पर ये कहना है। और आपको हम बता दें कि इस वक्त पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में तमाम जो विकलांग लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हैं और अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। 10 सालों से ये मांग कर रहे हैं कि हमारा पेंशन बढ़ाया जाए, जो सरकार की योजना है उसमें इनको अधिकार दिया जाए, चाहे वो किसी भी कार्य में हो उनको बराबर का अधिकार, हिस्सेदारी चाहिए, और इसको मांग को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। करीबन 3800 जिला से यहाँ पर पहुँचे हैं और ऐसे कई विकलांग हैं जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं, लेकिन अपनी आवाज़ों को बुलंद करने के लिए सोशल मीडिया का भी सहारा ले रहे हैं। कुछ और लोग भी हैं, कैसे अपनी बातों को रख रहे हैं? मैं अगस्त उपाध्याय उर्फ छोटू बाबा बक्सर बिहार से, विश्वामित्र की तपोभूमि से हम चल कर आए हैं। हमने मन में ठाना है सत्याग्रह हमारे गांधीवादी तरीके से, हम लोग यह अभियान चला रहे हैं कि दिव्यांगों की जो समस्याएं हैं, जटिल समस्याएं हैं,
उसको धरातलीय किया जाए। 2016 अधिनियम एक्ट जो दिव्यांग के संरक्षण में बना है वो धरातलीय नहीं, सिर्फ कागजों में सिमटी हुई है। ये निकम्मी सरकार है, पलट जाते हैं और दिव्यांगों को जो हमारे ये पुनः पिछले वर्ष इसी मंच पे इसी गांधी मैदान से हमारे पूर्व मुख्य उप मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था दिव्यांगों को कि हम 3000 पेंशन सभी मांगों को पूरा करेंगे, लेकिन ये पलटू राम, ये नीतीश कुमार जो कि दिव्यांगों के हम कह दे कि एक तेरा विनाश रूपी संरक्षक है। तो देखिए साफ तौर से जो विरोध है वो लोगों का दिख रहा है यहाँ पर दिव्यांगों का, और अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर पटना के गांधी मैदान में पहुँचे हैं। सरकार की जो भी योजनाएं चल रही हैं, जो कार्य चल रहे हैं, उसमें हिस्सेदारी चाहिए, कार्य चाहिए, और इन्हें पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले भी आश्वासन दिया गया था लेकिन आश्वासन ही सिर्फ कागजों पर रह गई, जमीनी हकीकत कुछ और ही है। अपने सहयोगी कैमरामैन अमित के साथ बने रहे देश न्यूज़ के लिए और देखते रहे देश न्यूज़।